जय श्रीराम नारा सुनिबा परे ममता बनर्जी पारा चरम छुईला से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामनारे ही मंच में जाहिर कले निज भाषण को आरंभ करने पूर्व ही शेष करदे ममता बनर्जी एमती व्यवहार एवं पश्चिमबंगर राजनीति भितर एक नुआ हंगामा आरंभ कर देशनायक दिवस क्यों हबे ना पराक्रम दिवस क्या है पराक्रम देश ने यह भी तय किया है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। नारे व्यक्ति व्यस्त ममता जय श्रीराम नारे रागरे नियाबाण हेले ममता प्रधानमंत्री को सामने जाहिर कले असंतोष गवर्नमेंट का प्रोग्राम तो कोई डिग्निटी होना चाहिए। बंगाल विधानसभा निर्वाचन राजनैतिकरण एवं एक एमती स्थित पहुंची जा पाद पर पाद राजनैतिक दलों भितर माइलेज नेबार रेस लगी। आजाद हिंद फौजर नायक और देश स्वाधीनतार सूत्रधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती बंगाल में किसी एमती ही चित्र देखागला। गोटे पटे जयंती को बीजेपी पराक्रम यात्रा भावे पालन कला अन्यपटे ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी दिवस को देशनायक दिवस मान्यता देला। किंतु यही समय जितेबाला ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल रे वक्तव्य देवा गले लोके जय श्रीराम नारा लगवा आरंभ कले रागरे न्याबाण हुई ममता बनर्जी मंचर ही पीएम मोदी सामने निज क्रोध जाहिर कले को लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी का और गर्म पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का कल्चरल मिनिस्ट्री का कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग जय हिंद जय बांग्ला। विक्टोरिया मेमोरियल रे पीएम मोदी भाषण पूर्व प्रोटोकॉल दृष्टि ममता बनर्जी को संबोधन करने को किंतु ममता निज वक्तव्य आरंभ करने पूर्व भिड़ देखी जय श्रीराम नारा लगवा आरंभ कला जहाँफल ममता पुणि थे न्याबाण होगले और से मंच में कौन प्रकार वक्तव्य देवा मना करदे आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग जय हिंद जय बांग्ला। ममता बनर्जी को रिएक्शन परे राजनीतिक महल रे भी आक्रमण पलटा आक्रमण आरंभ हो जाएछि। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ट्वीट माध्यम रे ममता को टार्गेट कले जय श्रीराम नारा रे स्वागत को ममता जी अपमान बोली धरुछंती ये केमिति राजनीति। सेपटे टीएमसी सांसद नुसरत जहां यह मामलें बीजेपी ऊपर कले पलटा आक्रमण ट्विटर में नुसरत लिखिले रामों नाम आलिंगन कर गला चापी नुहे एमती सरकारी कार्यक्रम जो स्वाधीनता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती पालन करमती प्रकार राजनैतिक और धार्मिक नारा दिजा कड़ा निंदा करमलें आरजेडी ममता को समर्थन करपटे बीजेपी लगातार टीएमसी करमण ममता दीदी का जिस तरह से अपमान किया गया जय श्री राम के नारे इस कार्यक्रम में लगाए गए इससे निश्चित रूप से वो जगह उपयुक्त नहीं था। जय श्री राम बोलना गलत है। अगर किसी ने बोला है तो भगवान का नाम लेना अगर गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जय श्री राम बोलते थे, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, और आपको क्यों इतनी तकलीफ है? अगर आपको जय श्री राम से तकलीफ है तब तो फिर बड़ा दुख की बात है। नेताजी जयंती कार्यक्रम आयोजन समय ममता बनर्जी प्रथमे गोटे मंचरु शंखनाद कले तापरे से कोलकाता रास्ता रे पदयात्रा माध्यम रे निज दम देखाइबा को आरंभ कले एथिसह से मंच रे पहुंचिबा क्षणी गोटे परे गोटे बीजेपी उपरे राजनैतिक बाण माड़ कले। एतिक नुहे सुभाष चंद्र बोस जयंती को जातीय छुट्टी घोषणा करने को भी दावी कले।
केंद्रीय सरकार किन्तु आज पर्यंत छुटिर दिन डिक्लेयर करेनि आमादेर दुःख आछे आमि आजो आमि एटाके परिष्कार भावे प्रतिबाद जानिये बोलछि नेताजी सुभाष चंद्र बोसेर जन्मदिने जातीय छुटिर दिवस घोषणा करतेई हबे। এই অবসরের মমতা দেশের চারিটি রাজধানীর প্রসঙ্গ বি উঠাইলে আর কলকাতাকে বি দেশের রাজধানী করিবা দাবি কলে। এটি পরোক্ষ ভাবে কেন্দ্র সরকারকে টার্গেট করে গোটিয়ে দেশ জনে নেতা গোটিয়ে রাশন কার্ড ও গোটিয়ে পার্টির বিচারক বদলাইবার আবশ্যক থিবা কহিলে মমতা বানার্জি। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের চারটি প্রান্তে একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে, চারটে থাকবে। ওয়ান লিডার ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড ওয়ান নেশন, ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ান নেশন, হোয়াট ইজ দা ভ্যালুয়েশন। কথা হল বেঙ্গলের নেতাজী না সর্বদা অন্যায় করা যাই অভিযোগ করে আসিছে বিজেপি। এথিপাই বিজেপি বহু থর কংগ্রেস ঘিরিছে। টিএমসি র অভিযোগ যে বিজেপি নির্বাচন পূর্ব রাজনৈতিক লাভ উঠাইবা নেতাজী মনে পকাউছি। বিজেপি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসঙ্ক উত্তরাধিকার সূত্রে নিজ পাই বিভিন্ন প্রকার লাভ দেখুছি। নেতাজীঙ্ক উত্তরাধিকার ভাবে বেঙ্গলরে বিজেপির শক্তি বড়াইবার সুযোগ ভাবে দেখুছি। বেঙ্গলরে নেতাজীঙ্কর অধিক গুরুত্ব রয়েছে। সরকারঙ্ক পক্ষরু নেতাজীঙ্কর সিক্রেট ফাইল সার্বজনীন করাগলা, সিক্রেট ফাইল গুড়িকু ডিজিটাইজ করাগলা, নেতাজীঙ্কু উপেক্ষা করা যাইতিবা বিজেপি অভিযোগ করি আসিছি। নেতাজীকে যোগদান কো ভি ভুলানে কা বর্ষক প্রয়াস কিয়া গয়া। বেঙ্গল নির্বাচন এথর টিএমসি পাই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বঞ্চাইবার নির্বাচন, যেতবেলে কি বিজেপি পাই এই নির্বাচন বেঙ্গল বিধানসভারে নুয়া উদয়র। এই কারণরু বিজেপি ও টিএমসি মধ্যরে হঙ্গামার চিত্র এবে বেঙ্গলরে সাধারণ কথা। হাওড়ারু আসিথিবা এই চিত্র সেই কথার প্রমাণ। অভিযোগ হলা বিজেপি কর্মকর্তা দলীয় পতাকা লগাইবা বেলে টিএমসি র কর্মী বিজেপি কর্মীঙ্কো উপরে কলে আক্রমণ। हमारा ऑफिस यहाँ पे है, देखिए हमारा बाइक का क्या हाल किया। गए थे अब बाइक रख के भागेंगे नहीं, मरेंगे क्या इनके बीच में? हम तो छुपे हुए थे, क्या करेंगे, डर के मारे छुपे हुए थे, छुपे हुए थे। देखिए हमारा बाइक, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। क्या दृश्य देखिए आप अभी? बम चल रहा था, गोली चल रहा था, पुलिस भागा हुआ था, पुलिस को क्या लेना देना है। अभियोग अनुसार टीएमसी नेता कैलाश मिश्र को नेतृत्व में ही कथामा पूरा गला। हम मांग कर रहे थे कि जो लोग हमला किए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में वहां पर हाथों में हथियार लेकर रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, बम लेकर आए और देखते देखते बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला कर दिए। कथाला विधानसभा निर्वाचन पूर्व टीएमसी स्थिति बुढ़ुवा जहाज भरी देखा जा, जनाधार बढ़िया बदल में दल बड़ बड़ चेहरा ममता आड़ मुह भंग कर धारे राजीव बानाजी नाम निकट में सामिल हो जाए। ये कैबिनेट मंत्री पदरू देछंती इस्तीफा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।